किन की गिरफ्तारी? इस पीसी के माध्यम से केस नंबर 6/24 जो शंकरपुर थाना अंतर्गत 8 जनवरी 2024 को भादवी की धारा 392 में प्रतिवेदित हुआ था, उसका सफल उद्भेदन किया गया है। ये कांड लूट की घटना के चलते प्रतिवेदित हुआ था, जिसमें ये आरोप लगाया गया था जो वादी मिथिलेश है उसके द्वारा कि ये ई कार्ट डिलीवरी बॉय का काम करते हुए कहीं जा रहा था और इसके सामान को कुछ अपराधियों द्वारा लूट लिया गया था। घटना को गंभीरता से लेते हुए इसको फॉलो कर रहे थे SDPO मधेपुरा, SHO शंकरपुर और उनकी टीम। इस केस में गहनता से जब अवलोकन किया गया तो प्राइमा फेसी जो घटना है ये संदिग्ध प्रतीत हो रही थी। इसको जब अनुसंधान और टेक्निकल एविडेंस के संदर्भ में इसको और गहनता से छानबीन किया गया तो बहुत महत्वपूर्ण साक्ष्य इसमें लगे थे। जो घटना है वो ये है कि मिथिलेश ने अपने दोस्तों के साथ राजेश, गुलशन और रामचंद्र, इनके साथ एक प्लानिंग की थी कि एक नाटकीय रूपांतर के क्रम में ये लूट करेंगे और सारा माल आपस में ये लोग खपा लेंगे। उसी क्रम में जब ये मोटरसाइकिल पे जा रहा था शंकरपुर, तो ये राजेश, गुलशन और रामचंद्र ये इसके साथ एक लूट की घटना का रूपांतर किए। तदुपरांत इनके द्वारा जो लूटा हुआ सामान है आपस में बांटा गया। जब पूरी घटना का उद्भेदन हुआ तो जो लूटा हुआ सामान है जिसमें से एक मोबाइल था, कुछ जो है कपड़ा था, इसमें से एक लोहे का स्टैंड है, टी शर्ट हैं, मोबाइल हैं और भी बहुत सारा सामान है, तो वो सारा सामान जो है इनकी निशानदेही पे जो है रिकवर किया है पुलिस ने। गिरफ्तार अपराधी का सर इतिहास? जो गिरफ्तार अभियुक्त हैं इनका नाम है गुलशन कुमार, ये शंकरपुर थाने का रहने वाला है। राजेश कुमार ये भी शंकरपुर का है। रामचंद्र कुमार ये थाना सिंगेश्वर का है और मिथिलेश कुमार ये सिंगेश्वर का है। इसमें उल्लेखनीय बात ये है कि ये लोग जो पूरा प्लांट वे में ये लोग कर रहे थे तो इनकी गिरफ्तारी से ये कांड का उद्भेदन हुआ है, रिकवरी सारे सामान की कर ली गई है। अब पुलिस जो है इसमें त्वरित अनुसंधान करके इनको सजा दिलाने का कार्य में लगी हुई है। अनुसंधान बाकी बिंदुओं पर भी जारी है। इनका आपराधिक इतिहास हम लोग खोज रहे हैं। अभी तत्काल जो है हमारे पास इनकी आपराधिक इतिहास की जो है सूचना नहीं है। आपराधिक इतिहास मिलने पर हम लोग सोशल मीडिया पे अपने ट्विटर पे या अन्य जो मीडिया के हमारे चैनल्स हैं उनको हम ये प्रोवाइड करवा देंगे। तो इसमें जो है जो छापेमारी में शामिल थे उनको हम लोग पुरस्कृत भी करेंगे। धन्यवाद।